हमारा चैप्टर चल रहा है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, कक्षा 8 का चैप्टर नंबर पहला है ये, जिसके अंदर हमने कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं और कुछ टॉपिक अब आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें आज का टॉपिक हमारे पास में सिंचाई, कि सिंचाई होती क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। हमारा टॉपिक है सिंचाई। तो जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है, ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि भाई हमें हवा कुछ देर ना मिलेगी तो हम मर जाएंगे, हवा एक बहुत जरूरी है। उसी तरीके से अगर हमें खाना ना मिले तो हम काफी देर तक जिंदा रह सकते हैं, पर पानी ना मिले तो हम एक दिन दो दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। कुछ विशेष स्थितियों में हम बड़े तड़प तड़प के रह जरूर सकते हैं। तो इसी तरीके से प्लांट्स के लिए भी पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो वो चीज हमारे पास कहलाएगी सिंचाई। तो जो भी हमारे पास फसलें हैं, पौधे हैं, उनकी अगर वृद्धि चाहिए, उनके अंदर परिवर्धन चाहिए, इन सब के लिए हमें जरूरत होती है जल की। ठीक है, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट या विशेष महत्व है पानी का। अगर हम उन्हें पानी नहीं देंगे तो हमारे पास में जितने भी प्लांट्स हैं सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। चाहे वो बड़ी से बड़ी खेती हो, पूरी खेत हो, उसके अंदर पानी अगर हम नहीं दिया पूरा खेत हमारा खराब हो जाएगा। तो पौधों की जड़ों द्वारा जल का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। पानी जैसे हम मुंह से पानी पीते हैं, ठीक है, तो पौधे पानी किस तरीके से पीते हैं, जल जो होता है पानी होता है वो उनकी जड़ों में डाला जाता है, ठीक है, और जड़ों के द्वारा वो क्या करते हैं उसको अवशोषित कर लेते हैं, अंदर खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये पौधों का पानी पीने का तरीका हो गया। मतलब आपसे कोई पूछ ले कि कौन सा तरीका होता है पौधों को पानी पीने का, तो अवशोषण का तरीका होता है, जिसके साथ आप देखो पानी के साथ साथ ही वो क्या ले लेते हैं, खनिजों को भी खींच लेते हैं अंदर, उर्वरक जो भी हमने खाद वगैरह देते हैं उसको भी क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। पौधों में लगभग 90% होता है पानी होता है। ठीक है, जल क्या होता है, आवश्यक है, क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं होता है। अब देखो सूखे में अगर हमने कोई घर में जो हमारे पास अनाज रखे हैं, गेहूं वगैरह दालें वगैरह रखी हुई हैं, साबुत जो भी अनाज रखे हैं वो सूखी जगह पे रखे हुए हैं, अगर उनको कहीं गीली जगह पे रख देंगे तो क्या हो जाएंगे, अंकुरित हो जाते हैं, उग जाते हैं। कई बार देखा होगा घर में चने या फिर कुछ दालें वगैरह भिगोई जाती है, साबुत जो होती है उनको भिगोया जाता है, तो उनको भिगोने के बाद जैसे आज भिगोया कल उनको हमने कहीं ठंडी जगह पे रख दिया कपड़े वगैरह में लपेट के, या तो क्या होगा वो हमारे पास में अंकुरित हो जाएंगी। तो ये चीज आपने देखा होगा कि जब तक उनको पानी नहीं दिया जाएगा वो अंकुरित नहीं होती है, सूखी रखी हुई रखी रहेंगे सालों साल, पर उनको जैसे हमने पानी वगैरह दिया वो अंकुरित हो जाएंगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फसलों को अंकुरित करने का तरीका हो गया। मतलब हम ये चीज समझ चुके हैं यहाँ पे, फसलों को अंकुरित करना है तो उनको किसकी आवश्यकता होगी, पानी की आवश्यकता होगी। अब जल में घुले हुए जो पोषक, भाई जो भी उनका खाना पीना है वो सारा पोषक हो गए का स्थानांतर पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। जल के द्वारा ही क्या होता है, जो भी पौधों ने जड़ों के द्वारा उन्होंने खनिज लवण खींचे हैं उन सबका स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह जड़ों से उनकी पत्ती होता है, अगर रूट्स वो क्या बोलते हैं स्टेम्स वगैरह या फिर ये कहें टहनियां वगैरह तक जो पहुंचता है वो सारा किसके द्वारा पहुंचता है, जल के साथ ही पहुंचता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर खाना है किसके द्वारा हमारी बॉडी के हर भाग तक पहुंचता है, आपसे कोई पूछे तो क्या कहोगे आप, रुधिर के द्वारा, ब्लड के द्वारा, खून के द्वारा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे पानी वो काम करता है। यह फसल की पाले एवं गर्म हवाओं से भी रक्षा करता है। भाई पाला क्या होता है, जब ठंड पड़ती है बहुत ज्यादा उसमें भी रक्षा करता है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है उससे भी रक्षा करता है। ठीक है, इसके अलावा स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से क्या देना होता है, पानी देना होता है। अगर हमें अच्छी फसल लेनी है, पौधे अच्छी वृद्धि करें, अच्छी विकास करें, अच्छी हमें उत्पादन मिले, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनको रेगुलर नियमित रूप से पानी देना पड़ेगा। जो वहां की मिट्टी है उसको हमें गीली रखनी पड़ेगी, नमी रखनी पड़ेगी। ठीक है, और निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई क्या कहलाएगा, एक निश्चित अंतराल पर, जैसे एक दिन आज दे दिया, फिर दो तीन दिन चार दिन पांच दिन बाद में दे दिया, अलग अलग फसलों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बाजरे की फसल में कम पानी की जरूरत होती है, गेहूं की फसल में ज्यादा पानी की जरूरत होती है, तो अलग अलग हिसाब से वहां पे पानी दिया जाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु के में भिन्न होती है। देखो उन्होंने लिखा भी है कि भाई जो सिंचाई के अंदर जो सिंचाई है वो समय के अनुसार, ठीक है, बारंबारता जो होती है समय और बारंबारता, मतलब कब कब पानी हमें देना है, फसलों के ऊपर भी निर्भर करता है, मिट्टी के ऊपर भी निर्भर करता है, और ऋतु जो सीजन होते हैं जैसे गर्मी है, सर्दी, बारिश है, अलग अलग सीजन के, बारिश है, बारिश में तो ऑलरेडी पानी गिर गया उसके अंदर,
पानी आ चुका है तो हम कहां से उसमें पानी देंगे। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। गर्मियों में पानी क्या होता है, सर्दियों की बजाय ज्यादा देना पड़ता है क्योंकि मिट्टी बार बार सूख जाएगी सूर्य की रोशनी से। ठीक है, ऐसा क्यों, क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्प की दर अधिक होने से होता है? बिल्कुल ऐसा ही होता है। क्या होता है, मिट्टी से भी जल वाष्प ज्यादा परिवर्तित होती है और पत्तियों से भी क्या होती है, जल वाष्प में ज्यादा तेजी से परिवर्तित होती है। इस वजह से हमें बार बार मिट्टी में पानी डालना पड़ता है, पानी देना पड़ता है फसलों में। ठीक है, अब यहाँ पे इस वर्ष पानी देते समय में अधिक सतर्क हूं, पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख गए और मर गए। क्यों मर गए, क्यों सूख गए, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से मिट्टी ज्यादा जल्दी से सूखती है, पत्तियां ज्यादा जल्दी से सूखती है, वहां पे ज्यादा वाष्प बनती है और इस वजह से हमारे पास में जो पौधे होते हैं वो मर जाते हैं। ये बात हो गई हमारे पास में सिंचाई को लेके। अब बात करते हैं सिंचाई के स्रोत। स्रोत का मतलब है हम पानी किस किस माध्यम से अवेलेबल करवाते हैं, कहाँ कहाँ से पानी लेके आते हैं। तो देखो, कुछ जगहों पे कुएं के द्वारा पानी, जलकूप के द्वारा पानी, तालाब झील के द्वारा पानी, नदियों के द्वारा, बांध नहर, इन सब के द्वारा हम क्या करते हैं, पानी को फसलों तक पहुंचाते हैं, पानी को एकत्रित करते हैं और वो फसलों तक पहुंचाते हैं। अब जैसे देखो एक पर्सन है, ये आपको एक दिख रहा होगा, एक व्यक्ति, ये क्या कर रहा है, मोट बोलते हैं इसको, इस सिस्टम को मोट बोलते हैं। ये जो आपको दिख रहा है कुएं में से किसी रस्सी के द्वारा पानी खींचना और ये घड़ा ले रखा है, बार 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 पानी ये उडेलता रहेगा यहाँ पे, तो ये मोट कहलाता है इस तरीके का। ऐसे ही और भी है हमारे पास में चैन पंप। चैन पंप का सिस्टम क्या हो गया, वहां तो रस्सी से पानी एक बैल वगैरह या किसी व्यक्ति के द्वारा बार बार रस्सी से पानी खींचा जा रहा था और जो घड़ा था वो दूसरे व्यक्ति के द्वारा उडेला जा रहा था। यहाँ पे चैन पंप में क्या हो गया हमारे पास में कि भाई एक हमारे पास में पुली लगी हुई है, गोल गोल देखो ये पुली लगी हुई है, इसके यहाँ पे एक बाल्टी सिस्टम देखो ये लगी हुई है। बाल्टी क्या होगी, बार 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 आती जाएगी, पानी यहाँ पे डलता जाएगा, पानी फिर खेत में चला जाएगा, ये चैन सिस्टम हो गया। इसी का थोड़ा विकसित रूप आया हमारे पास में ये वाला, जिसको हम रट बोलते हैं, रट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, बल जो बैल होता है या कोई भी एक पशु जो जानवर होता है वो एक जगह गोल गोल घूमता रहेगा और इसके थ्रू ये जो है यहाँ पे ये जो पाइप लगा रखा है या ये जो ये कहेंगे सिस्टम लगा रखा है, ये इसको गोल गोल घुमाएगा, इधर से कोई पाइप जा रहा है नीचे से अंडरग्राउंड, ठीक है, और ये इसको गोल गोल घुमाएगा। इसके चारों तरफ क्या लगी हुई है, बाल्टियां लगी हुई है, ये नीचे जाती है जमीन के अंदर, ऐसे खाली इधर से खाली जाती है क्योंकि इधर ये क्या होता है, इस तरीके से होती है बाल्टी, इधर ढक्कन लगा हुआ होता है और इधर खाली होती है ये, ठीक है, इस तरीके से होती है बाल्टियां। तो जैसे ही ये इधर पानी में जाएंगी, यहाँ पे मान लो पानी भरा हुआ है, पानी में यहाँ भर जाएगी और ऊपर आएगी ये, ठीक है, इस तरीके से ऊपर आएगी, ऊपर आएगी तो जब ये इधर आएगी तो उस टाइम पानी क्या होगा, यहाँ पे गिर जाएगा, ठीक है, और जब ये पानी गिर जाएगा तो ये बह के कहाँ चला जाएगा, खेत वगैरह में चला जाएगा, ये रेड सिस्टम होता है। ठीक है, ऐसे एक सिस्टम और यहाँ पे दे रखा हमें डेकली, इसके अंदर लकड़ी की हेल्प से इधर एक क्या कर दिया गया, थाम दिया गया और एक रस्सी की हेल्प से क्या कर दिया गया, यहाँ पे बाल बांध दी। तो इसको जब हम ऊपर उठाएंगे तो बाल्टी नीचे जाएगी, ठीक है, यहाँ पे पानी भर जाएगी और भरने के बाद में जैसे इस पत्थर को हम छोड़ेंगे इसको तो एक से होता है, इसको बोलते हैं ढेकली। जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, फसलों तक आपूर्ति करते हैं। अब ये जो तरीका था ये हमारे पास चाहिए पारंपरिक तरीके थे, मतलब पारंपरिक तरीके ऐसे थे जिन तरीकों से हम पहले बहुत पहले ऐसा काम किया करता था। आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कहीं पे ऐसी इस तरीके से पानी निकाला जाता होगा। कुछ जगहों पे हो सकता है कि थोड़ा बहुत पीने का पानी या इस तरीके से अवेलेबल हो और उसको निकालना हो तो इस तरीके से निकाला जा सकता है, वो भी खासकर इस तरीके से हम इसका इस मेथड का फॉलो करते हैं, मोट वाले का। एक रस्सी कुएं में डाल दी जाती है, वहां से पानी निकाला जाता है बाल्टी वगैरह की सहायता से और उसको पीने वगैरह में काम में लिया जाता है। खेती के लिए तो हम ये तरीका कहीं पे भी काम में नहीं ले रहे हैं। कुछ सालों पहले, आज से अगर हम 15-20-25 सालों पहले बात करें तो ऐसा सिस्टम काम में लेते थे। आज के टाइम में कुछ आधुनिक चीजें आ गई, उनका यूज करते हैं। कुओं, झीलों और नहरों में उपलब्ध जल को निकाल कर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग है भाई, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके, कहीं पे कुओं से पानी निकाला जा रहा है, कहीं पे नहरें हैं, झीलें हैं, उनसे अलग अलग तरीके से पानी खेतों तक पहुंचाया जा रहा है। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब देखो इनमें हमने देखा है कुछ जगहों पे तो आदमी काम कर रहे हैं, कुछ जगहों पे पशु मवेशियां काम कर रही हैं, तो ये हमारे पास में अलग अलग तरीके हो गए, परंतु यह कम दक्ष है, मतलब दक्ष का मतलब होता है कम फायदेमंद है, नुकसानदायक ज्यादा है, हमें इससे काम कम मिलेगा।
ठीक है, जिनमें इन्होंने बताया है मोट, जिसको बोलते हैं घिरनी। घिरनी एक गोल पहिए को बोला जाता है जिसके ऊपर से एक रस्सी नीचे जाएगी फिर ऊपर आएगी। ठीक है, चैन पंप, ढेकली, रट, ठीक है, जिसको उत्प्लक तंत्र भी बोलते हैं, ये हमारे पास में कुछ तरीके हो गए। जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। आज के टाइम में हम क्या करते हैं, पंप की सहायता लेते हैं। ठीक है, और पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत या सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखो एक और आ गया, हमें डायग्राम दे रखा है, तो उस डायग्राम में हम समझेंगे किस तरीके से सिंचाई के आधुनिक तरीकों के बारे में। देखो सिंचाई के आधुनिक जो विधियां हैं इसमें क्या किया जाता है, सिंचाई की आधुनिक विधियां द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं, मतलब हम जितना चाहें उतना निकाल सकते हैं। पहला तरीका है हमारे पास में छिड़काव विधि। छिड़काव विधि के अंदर क्या किया जाता है कि हम पानी को छिड़कते हैं। ठीक है, अब इसमें भी हम क्या करते हैं कि पानी को निकाला फिर पंप वगैरह से, तो पानी को निकालते हैं पंप के द्वारा ही, हम क्या करते हैं उस पानी की सप्लाई कर देते हैं। इस विधि का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, असमतल भूमि, मतलब जहां पे प्लेन भूमि होती है, जहां पे बिल्कुल ग्राउंड एरिया होता है, समतल जगह होती है, वहां पे इसका उपयोग नहीं करते हैं। जहां पे उबड़ खाबड़ कहीं खड्डा कहीं पे मतलब ऊंची जगह ऐसी जगह होती है वहां पे इस विधि का उपयोग करते हैं, भूमि में किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है। साथ ही कहां पे उपयोग करता है, जहां पे जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है, ऊर्ध्व पाइपों, मतलब पाइपों क्या कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है कि ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगाए दिए जाते हैं। देखो ये डायग्राम में अगर आपको दिख रहे होंगे तो ये कोई नोजल लगे हुए हैं, ठीक, गोल गोल, ठीक है। इन नोजल्स को कहां लगा दिया गया है, इन पाइपों के खड़े, मतलब इन पाइपों को खड़ा कर दिया गया है, इनके ऊपर ही नोजल लगा दिए गए हैं। ठीक है, ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ये मुख्य पाइप हो गया, इससे निश्चित दूरी पर बराबर बराबर दूरी पर क्या होते हैं, ये जुड़े हुए होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। तो जब इस पाइप, देखो यहां से हम पाइप के थ्रू पानी को यहां भेजेंगे, इधर जाएगा ये पाइप, हम सारों में पानी चला जाएगा, देन उसके बाद में जो ऊपर से निकलेगा तो घूमता हुआ बाहर निकलेगा, इस तरफ घूमेगा पानी, ठीक है, घूमते हुए बाहर निकलेगा। क्लियर, यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी भाई सबको। अगर आपको ये बातें समझ में आ रही हैं तो आप हमें कमेंट डाल सकते हैं, कोई चीज में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, भाई ये चीज टॉपिक समझ में नहीं आया, और किसी से रिलेटेड दूसरा वीडियो बनाना हो किसी टॉपिक को और अच्छे से समझाने के लिए, तो आप हमें कमेंट में डाल सकते हैं, हम आपकी कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चंस का जवाब देने की, ठीक है। और अगर ये वीडियो पसंद भी आ रहा हो आप लोगों को तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक भी कर लेना, चैनल के साथ में जुड़ जाना सब्सक्राइब करके, तो आपको नई वीडियोज की इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। तो देखो जल को भेजा जाता है और बाहर निकल जाता है, इसका जो ये हमारे पास में इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो, मतलब बारिश हो रही हो, इस तरीके से वहां पे छिड़काव होगा। छिड़काव लोन को, जो कॉफी की खेती होती है वहां पे किया जाता है, चाय वगैरह कॉफी वगैरह की खेती जहां पे की जाती है वहां पे इनका उपयोग किया जाता है, जैसे कि चित्र में हमने देख लिया। दूसरा तरीका होता है ड्रिप सिस्टम। दूसरा तरीका हमारे पास कौन सा होता है, ड्रिप सिस्टम। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधे की कहां जड़ों तक गिरता है। अब देखो इसमें भी डायग्राम से समझ लेते हैं, ये इधर से मोटर ने पानी खींचा, इस पाइप से होते हुए क्या करेंगे हम, हर एक पौधे के पास में पतला सा पाइप छोड़ देंगे। इस मेन पाइप से जो मोटा पाइप है ना, इस मोटे पाइप से हम क्या करेंगे, एक हर एक पौधे तक छोटा सा पाइप ले जाके छोड़ देंगे, और इसमें जब पानी चालू करेंगे तो वहां पे हर पौधे तक ड्रिप ड्रिप बूंद बूंद करके क्या होगा, पानी गिरता जाएगा। तो इसका मतलब आसपास जहां पौधे नहीं है वहां पे पानी गया नहीं, तो हमारा पानी भी वेस्ट नहीं होगा, सबसे कम पानी लगेगा। इस तरीके में हम पानी की भी बचत कर लेंगे और अच्छी खेती भी ले लेंगे, कम पानी से ज्यादा अच्छी खेती ले सकते हैं। क्लियर, तो इस जगह की ऐसी जो विधि है इसका बोला जाता है ड्रिप तंत्र या ड्रिप सिस्टम। ठीक है, इसका उपयोग कहां पे किया जाता है, फलदार पौधे, बगीचों, वृक्षों को पानी देने में इसका उपयोग किया जाता है, जहां पे मतलब कम मात्रा में पौधे लगाने हो, में ज्यादा मात्रा में जैसे गेहूं की खेती है उसमें हम नहीं कर सकते इसका उपयोग, सरसों में नहीं कर सकते, बाजरे में नहीं कर सकते, पर हाँ जैसे हमें फसलें लगानी हो, जैसे लाइक फलदार फसलें या सब्जी वाली फसलें लगानी हो, टमाटर है, मिर्ची है, बैंगन है, गोभी है, इस तरीके की फसलों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इससे पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। ठीक है, और इस विधि से जल
बिल्कुल भी क्या नहीं होता है, व्यर्थ नहीं होता है, पानी वेस्ट नहीं होता है, खराब नहीं होता है। यह जल की कमी वाले स्थानों पर एक वरदान की मतलब एक एक तरह से वरदान मिल गया कि भाई जहां पे पानी नहीं है वहां पे भी खेती की जा सकती है, थोड़े से पानी में बहुत अच्छी खेती की जा सकती है। आई होप आपको यहां तक का टॉपिक सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर या नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, खपतवार, क्योंकि हम यहाँ पे हर एक टॉपिक के लिए एक अलग से वीडियो बना रहे हैं। वहां पे हम वन बाय वन एक एक टॉपिक का, आप कोई भी जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, जैसे मान लो सिंचाई समझ में नहीं आया तो आप सिंचाई वाले टॉपिक को देखो, अगर आपको खपतवार समझ में नहीं आया तो खपतवार वाले वीडियो को देखो, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। हर एक सेक्शन वाइज हम लोग वीडियो बना रहे हैं। इससे होगा क्या, थोड़ा वीडियो जरूर एक टॉपिक का बड़ा हो जाएगा, पर हाँ आपको वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर मैं एक बार से कहूंगा, अगर किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में डाल के बता सकते हैं कि सर इस टॉपिक में हमें प्रॉब्लम है, तो मैं आपकी उस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी समाधान करूंगा, निवारण करूंगा। आई होप मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास के अंदर या नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हैव ए गुड डे एवरीवन एंड एंजॉय।